प्रदेश में उपचुनावों से पहले एक बार फिर फोर लेन प्रभावितों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से विपक्ष में रहते तपोवन विधानसभा के बाहर और 2017 विधानसभा चुनावों में घोषणा पत्र में किए वायदे निभाने की मांग की है। फोरलैन संघर्ष समिति मनाली मंडल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 2017 चुनावों में फोरलैन प्रभावितों के 4 गुना मुआवजा प्रमुख मुद्दा था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिराने में फोरलैन प्रभावितों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तपोवन में विधानसभा घेराव में उनके साथ थे और फोरलैन प्रभावितों के मुद्दों पर उनका कहना था कि इन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरेंगे। भाजपा के नेता तब विपक्ष में थे, लेकिन आज सौभाग्य से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह ठाकुर मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वो भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और यदि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करेगी तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि वो वर्तमान सरकार में 4 सालों से फोरलैन प्रभावितों की विभिन्न मांगों को लेकर कई बार मिले हैं। यदि अब भी फोरलैन के मुद्दों पर जनता की आवाज नहीं सुनी तो आने वाले उपचुनाव और 2022 की विधानसभा चुनावों में सरकार को जनता जवाब देगी। वर्तमान सरकार से हमारा निवेदन यह है कि सारी बातें हमने बड़ी डिटेल में की, अगर हम सरकार बना सकते हैं, अगर आपको जिता सकते हैं तो आज फोर लेन वाले सब जो है एक मत से, एक आवाज से ये बोलते हैं कि अभी बाई इलेक्शन है। हम अगर सरकार को गिरा सकते हैं, अगर पिछली सरकार में देखा मुख्य मुद्दा फोर लेन था, कांग्रेस की सरकार हारी इस फोरलैन मुद्दे के कारण, और वर्तमान में सरकार माननीय जयराम जी, माननीय गोविंद जी जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन है और माननीय जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब विधानसभा का तपोवन में 2016 में हमने घेराव किया, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी दोनों जो है सारे यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, मीडिया में फ्रंट पेजों पर अखबारों में लगा हुआ है और हम जो है मैदान में उतरेंगे कि आपने ये कहा था। उस वक्त आप अपोजिशन में थे, सिंपल विधायक थे, आपने हमारी बैठक में आकर जब हमने घेराव किया था तपोवन विधानसभा में तो आपने आके एक मत से ये बोला था कि हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, आपकी मांगे जायज़ है। आज सौभाग्य से हमारी जिम्मेवारी अब पब्लिक के प्रति ज़्यादा इसलिए बढ़ती है कि देखिए मीडिया बंधुओं को सब पता है हम भी किसी दल और राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी पब्लिक के प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि हम उसी दल के और तब हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम हाथ पीछे खींचने वाले नहीं हैं, हम पद और जो हमारे पास स्थान है उससे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हम आज वर्तमान में सरकार को ये बताएं कि आपने तपोवन में एक वादा किया था और सौभाग्य से हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप मुख्यमंत्री और आप कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन हैं। अब आपसे हमारी विनती इतनी है कि आपको मिले, उस वक्त भी हम कोई 10 बार मिले होंगे, अब वर्तमान में भी हम अब भी जो है मुख्यमंत्री जी का दौरा था सर्किट हाउस में मिले, तो वर्तमान में भी हम आपके बिल्कुल टच में हैं, लेकिन हम झूठे आश्वासन नहीं चाहते। 4 साल हो गए, सरकार अब 1 साल की है, बाई इलेक्शन अब है, अगर हमारी ग्रीवियंसिस ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम जनता की आवाज़ है, जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपने अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी तो यही लोग जो है आपको, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती जनतंत्र है, जनता से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन जनता अगर विरोध में खड़ी होगी और उनकी ग्रीवियंसिस एज इट इज़ रही तो आपको बता दें पहले भी स्की विलेज नामक मूवमेंट यहाँ से चली थी, सरकारें गिरी थी, वर्तमान में भी आपने देखा कुल्लू से ही मूवमेंट फोर लेन संघर्ष समिति की चली और उस समय की निवर्तमान सरकार गिरी। और वर्तमान में हम ये बता दें कि अगर फोर लेन संघर्ष समिति या फोर लेन के प्रभावितों का अगर आपने सही मायने में और सही तरीके से अगर हमारे समाधान नहीं किए जो हमारी ग्रीवेंसीज है तो आपको जो है हम जवाब बाई इलेक्शन में भी देंगे, अगला विधानसभा का चुनाव उसमें भी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।